रमेश बाबू, आप देख रहे हैं अनमोल टेलर। आज मैं आपको फ्लाफ वाली जेब का तरीका बताऊंगा, जो आसानी से बताऊंगा। ये राजस्थान स्टाइल में है, तो आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है फ्रेंड। ये मैंने कपड़े का पीस लिया हुआ है, चेक करवाते हैं आपको। और ये दो पैकेट लगाने वाला हूँ मैं सामने, तो यहाँ से मैं 1 इंच की सिलाई लगाऊंगा। ये 1 इंच का ये मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा लूँगा। कुछ तरीका चेक करवाते हैं। और इसके जो फ्लाप काटे हुए हैं मैंने दो, तो हम इसको अच्छी तरह के लगा लेते हैं, फ्यूजिंग कर लेते हैं इसकी। और फ्यूजिंग करने के बाद भी आपको हम तरीका बताएंगे फ्रेंड। और इस पर हम कमानो धागा, जो रेशमी होता है, वो भी अप्लाई करने वाले हैं, तो उसका तरीका भी हम आपको बताएंगे फ्रेंड। कमानो धागों की जो सिलाई लगती है वो हम बाबिन में से चलाएंगे, वो तरीका आपको बताएंगे फ्रेंड। तो स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ समझाई जाएगी। फ्रेंड इसके अंदर हम ये गोल्डन कलर का जो है बाबिन में भरा हुआ हमने ये रेशमी धागा है गोल्डन कलर, और ऊपर से हम ब्लैक चलाएंगे, तो इसका जो कंट्रास्ट अच्छा बन जाएगा। और आपको लुक चेक करवाएंगे फ्रेंड। फ्रेंड ये मैंने कॉलर काटा हुआ है, 2 पीस कॉलर है ये, 1 पीस में 2 पीस मैं बनाने वाला हूँ, तो इसकी आपको लुक चेक करवाएंगे। तो इसकी नोके जो है मैंने गोल्ड की हुई है, तो ये थोड़ा मुख्तलिफ डिज़ाइन में बना रहा हूँ। तो ये ज़्यादातर ना राजस्थान जो है इंडिया में, वहाँ पे यूज़ होता है, तो वहाँ से कुछ फ्रेंडों ने मेरे को बोला हुआ है कि भाई ये हमारे को राजस्थान स्टाइल में कुर्ता बना के दिखाएं, तो मैं वो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये मैं ये फ्लाफ वाली पैकेट है, तो बीच में से जो पट्टी लगती है उसको इस तरीके से खोल लेना चाहिए, आयरन की मदद से खोल लेंगे। तकरीबन 1 इंच की ये है, इसको हम खोल लेंगे फ्रेंड इस तरीके से। बिल्कुल ही आसान तरीका है, इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है और लुक भी अच्छी आ जाती है। तो फ्रेंड हमारे को सबसे पहले जब यूज़ करना हो ये धागा, तो चेक कर लेना चाहिए कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये रफ कपड़े पे बकरम की पट्टी लगा के चेक कर लेना चाहिए, उसके बाद आप अपने यूज़ करना है। ऐसे यूज़ करना नहीं चाहिए, नहीं तो आपका काम ख़राब हो सकता है। तो हम ये अभी इस पर चला रहे हैं फ्रेंड, कॉलर पे लगा रहे हैं। एक पैर की सिलाई छोड़ते हुए मैंने मार्जिन लगा रहे हैं, क्योंकि हम इसकी लुक को और किस्म की थोड़ी बना रहे हैं, तो हम ये ऐसे एक पैर की छोड़ते हुए लगा रहे हैं फ्रेंड। तो चेक कर लें, यहाँ पे मैंने नोक गोल की हुई है कॉलर की, तो यहाँ से भी लगा लूँगा, नीचे से भी इसकी लुक अच्छी आ जाएगी। फ्रेंड यहाँ से मैं इसको थोड़ा मार्जिन छोड़ा हुआ है मैंने, इसका धागा खींच के मैं गिठाने लगा लूँगा। तो चेक कर लें ये गोल्डन कलर। तो फ्रेंड अभी सामने वाली पट्टी पे लगाने वाले हम, तो सामने वाली पट्टी भी मैंने नीचे से जो तावीज़ बनाते हैं वो मैंने गोल किया हुआ है, तो इसको आराम से गोलाई से आप लगा सकते हैं। रोक के सुई को अलग चलाएंगे तो गोलाई बन जाएगी इस तरीके से फ्रेंड। तो स्टेप बाय स्टेप हम ये हर एक चीज़ पे, कफ पे भी इस्तेमाल करने वाले हैं, फ्लाप पे भी इस्तेमाल करने वाले हैं ये धागा इसी तरीके से।
कप को भी हमने फ्रेंड वही जो फ्लैप पे जो हमने दिया हुआ है वो कप पे भी हमने काटा हुआ है, कप को नोक को जो हमने फ्लैप की नोक को काटा हुआ है उसी साइज पे काटा हुआ है। तो ये खास वीडियो फ्लैप के लिए ही मैं बना रहा हूँ। तो आपको इसको जब ये तैयार हो जाएगा तो फ्रेंड इसके हम पार्ट बना रहे हैं, थ्री पार्ट में ये बना रहे हैं हम, पूरा सूट इसमें दिखाने वाले हैं। कटिंग का वीडियो जो है वन पार्ट में आपको मिल जाएगा फ्रेंड, और इसका जो भी स्टिचिंग का जो है वो वीडियो आपको टू पार्ट में मिलेगा, और इसका जो नेक्स्ट है वो आपको मिलेगा थ्री पार्ट में, जो आपको मुकम्मल सूट दिखाएंगे हम, चेक करवाएंगे, पहन के चेक करवाएंगे बिल्कुल, और आपने रिजल्ट चेक करना है इसका तो आपको थ्री पार्ट में मिलेगा फ्रेंड। इस तरीके से हमने सिलाई अप्लाई कर लेनी है, और फ्रेंड ये भी पैकेट का जो हमने बीच में से जो लगाया हुआ था तो यहाँ से यहाँ पे भी मैं लगा रहा हूँ, तो इसकी लुक आपको चेक करवाएंगे। इस तरीके से लगा लेनी चाहिए, चेक कर लो। तो फ्रेंड हमने ये रेशमी धागा लगा लिया है तकरीबन, अभी इसकी गिठाने लगाएंगे हम, दो दो तीन तीन चार चार गिठाने आपने लगानी है नीचे से, और उसको पक्का कर देना है फ्रेंड। ये रेशमी धागा है तो इसमें खुलने का वो होता है, तो इसको आप लेटर की मदद से जब गिठाने लगा लें तो ऊपर से थोड़ा इसको लेटर की मदद से पक्का कर लेंगे तो ये पक्का हो जाएगा, तो ये मजबूत हो जाएगा फ्रेंड। तो इस तरीके से कर लिया करें लेटर की मदद से, तो कोई आसान तरीका है, कोई मुश्किल तरीका नहीं है, इस तरीके से कर लिया करें फ्रेंड, बिल्कुल सफाई से हो जाता है ये। तो फ्रेंड अभी हम फ्लैप पे आ गए हैं, ये इसमें फ्रेंड हम कपड़ा नहीं मोड़ेंगे, इसको जो फोल्ड करेंगे हम पट्टी लगा के फिर फोल्ड करेंगे बकरम की पट्टी लगा के, तो ये इसकी लुक अच्छी आने वाली है फ्रेंड। तो इस तरीके से आप पट्टी लगा लिया करें, तो पट्टी लगा के फिर इसको फोल्ड करें इस तरीके से फ्रेंड। फ्रेंड ये फोल्ड हो चुका है फ्रेंड। आपके पास अगर पैटर्न नहीं है तो आप पैटर्न बना सकते हैं, गत्ते का बना लिया करें या बकरम का बना लिया करें, बकरम को आप उसमें चिपका के, तो मैंने गत्ते का बनाया हुआ है। तो इसका जो फ्लैप है तो उससे थोड़ा इसका जो पैकेट का होता है उसका मार्जिन थोड़ा कम रखना होता है, दो सूत्र कम रखने होते हैं, क्योंकि जो फ्लैप हम लगाएंगे तो इसके जो साइड में से जो कोने दिखते हैं वो दिखेंगे नहीं फ्रेंड। तो इस तरीके से आप इस्तेमाल कर लिया करें, ये मैंने गत्ते का बनाया हुआ है पैटर्न, तो 5 और 5.5 का बनाया हुआ है फ्रेंड, क्योंकि इसमें मार्जिन छोड़ना होता है 1/4 इंच का, लेकिन मैंने 1/2 इंच का छोड़ा हुआ है इसलिए कि तो 1/4 इंच जो है 1/4 इंच से 170 ज़्यादा सॉरी 370 से 400 जो है उसका फ्लैप ऊपर लगेगा तो इसकी लेंथ इतनी दिखाई देगी, तो मैंने इसको थोड़ा छोड़ा हुआ फ्रेंड। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर लिया करें, आसान तरीका है। एंड ये थोड़ी देर में बन जाता जब पैटर्न आपके पास होता है, तो अगर वैसे हम बनाते तो टाइम ज़्यादा लगता और लुक भी अच्छी नहीं आती, तो थोड़ा टाइम में अगर आपको पास पैटर्न बने हैं तो थोड़ी देर में। अभी यहाँ पे मैंने मार्जिन छोड़ा हुआ है, कपड़े का मार्जिन छोड़ा हुआ है, वो बुकरम की साइड से मैं मोड़ लूँगा, उसको मैं डायरेक्ट लगाऊँगा मशीन पर जाके, फिर आपको लुक चेक करवाऊँगा मैं। इस तरीके से रख लेंगे तो अभी इसकी जो है लेंथ और चौड़ाई बिल्कुल बराबर आ जाएगी, तो आपको ये चेक करवाते हैं।
फ्रेंड ये मैंने वन पीस में टू पीस कलर में बनाऊंगा फ्रेंड, ये मैंने काटा हुआ है वन पीस में, तो ये मैं ऊपर से पीस लगा रहा हूँ, टू पीस बन जाएगा। तो इसके नीचे जो मैं पट्टी लगाऊंगा, जो इसकी कलर की बहन है उस पर मैं दो पट्टी लगाऊंगा, वहाँ से ये थोड़ा भी मेरे को और भी स्टेड और थोड़ा हेवी चाहिए लुक, तो मैं यहाँ पे दो पट्टी लगाने वाला हूँ फ्रेंड, तो ये थोड़ा मजबूत हो जाएगा तो कलर नीचे नहीं बैठेगा, कलर बिल्कुल होके आ जाएगा। दो पट्टी यहाँ पे लगा लूँगा तो यहाँ पे ये थ्री पीस हो जाएगा फ्रेंड। इस तरीके से आप लगा लिया करें तो आपकी लुक अच्छी बन जाएगी, और इसका रिजल्ट हम चेक करवाएंगे आपको फ्रेंड, आपने वीडियो छोड़नी नहीं है, एंड तक देखनी है फ्रेंड। तो मशीन पे आ चुके हैं अभी, तो यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे। ये दो पैकेट है सामने वाले फ्लाप वाले, तो आपको हम तरीका चेक करवाएंगे फ्रेंड। फ्रेंड 7.5 पे रखने वाला हूँ मैं इसको, ज़्यादा नीचे नहीं रखने वाला, 7.5 पे रखूँगा दोनों को। यहाँ पे आप निशान लगा सकते हैं या आयरन की मदद से लकीर लगा सकते हैं, तो इस तरीके से कर लिया करें तो आपको आसानी हो जाएगी फ्रेंड। तो इस तरीके से हम इसको लगा लेंगे। तो फ्रेंड ये पार्ट टू चल रहा है हमारा, ये अभी जो वीडियो हम बना रहे हैं ये पार्ट टू है, तो पार्ट थ्री भी आएगा इसका, तो उसमें हम आपको लुक चेक करवाएंगे, इसकी पेन के चेक करवाएंगे बिल्कुल। तो आपने कमेंट करके बताना हमारे को फ्रेंड, जो हमारे चैनल पे नए आए हुए हैं दोस्त हैं, जो नए नए आ रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड। तो हम जो भी बनाएंगे डिज़ाइन बनाएंगे, किसी इलाके की डिज़ाइन बनाएंगे तो आपके पास पहुंच जाएगी। तो फ्रेंड सब्सक्राइब कर लिया करें, और कमेंट करके आप हमारे से पूछ सकते हैं, तो हम आपको आपके सवाल का हम जवाब देंगे, और जो जैसे आप बोलोगे डिज़ाइन बनाने का हम आपको बना के वो अप्लाई करते रहेंगे फ्रेंड। फ्रेंड इस तरीके से आप ग्लव लगाते हैं, ये मार्जिन चेक कर लो, 370 का मार्जिन छोड़ा हुआ ऊपर मैंने, तो वो जो 370 मैंने कम किया हुआ था उसकी लेंथ में, तो वो यहाँ पे आ गया फ्रेंड, तो अभी ये बिल्कुल ओके आ जाएगा, ज़्यादा लंबा नहीं बनेगा ये। तो ये हाफ बूट की सिलाई यहाँ पे लगाऊंगा मैं, पैर पूरे पूरे पैर की नहीं लगाऊंगा फ्रेंड, हाफ की लगाऊंगा। आपको तरीका चेक करवा लेते हैं, तो फ्रेंड ये हमारे पैकेट दोनों लग चुके हैं तकरीबन। तो फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसी लगी है ये कमेंट करके बताना, और कमेंट करना लाजमी होता है, फिर लाइक भी कर लेना, इसके साथ इजाजत देना, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।